वैसे तो नारियल से ढेर सारी मिठाई बनते हैं, लेकिन आज हम जो मिठाई बनाने वाले हैं ये सभी मिठाई से अलग है। दूध में एक नारियल डालकर ऐसी मिठाई बनाएं कि जो भी खाए सभी का मन भाए। ये कम समय में जल्दी से बन जाता है। इस मिठाई को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक गोला सूखा नारियल लिया है। इसी नारियल का मिठाई हम बनाएंगे। इसको हमने हल्का से तोड़ दिया है, ये पूरी तरह से गोला बंद नहीं है, ताकि दूध में जाते ही अंदर तक पक जाए। हम चलते हैं गैस तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को पहले गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू बादाम। पहले हम काजू बादाम को भूनेंगे। गैस को मीडियम में करेंगे और इसको बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनेंगे। काजू बादाम भुना रहेगा तो मिठाई की टेस्ट ज़्यादा बढ़िया बनेगा। आप अपने पसंद के अनुसार और भी मेवा ले सकते हैं, चिरौंजी, छुहारा, अखरोट भी ले सकते हैं। मेवा भुन गया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसको हम रखेंगे साइड में। कढ़ाही में जो घी बचा है इसी में हम मखाना डालकर भूनेंगे। कढ़ाही में लगभग 50 ग्राम मखाना डाल देते हैं। मखाने को बराबर चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। मखाने को हमने भून लिया है, अब इसको हम तोड़कर दिखाते हैं मखाना क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। भूनने के बाद आप देख सकते हैं मखाना क्रिस्पी हो गया है, यानी कि अच्छे से भून चुका है। अब इसको भी एक प्लेट में निकालेंगे। इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो पहले इसको हमें उबलने तक पकाना है। अब दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसी में हम दूध के साथ नारियल भी पकाएंगे। नारियल को हम दूध में डालेंगे। दूध जैसे जैसे नारियल के साथ पकेगा तो नारियल का स्वाद दूध में घुल जाएगा और मिठाई का टेस्ट बढ़ जाएगा। यानी जो मिठाई है वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब नारियल के ऊपर 1 चम्मच देसी घी को डालेंगे। इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ज़्यादा नहीं, केवल 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है। इसको हमें बराबर चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक दूध रबड़ी न बन जाए। अभी दूध पतला है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं ताकि दूध धीरे धीरे पककर गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हम बराबर चलाएंगे। आप देख सकते हैं दूध पकने के बाद एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसमें से हम नारियल को निकालेंगे। नारियल को एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए और दूध में हम चीनी डालकर पकाएंगे। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा रबड़ी हमने बनाया है। दूध का हमें खोआ नहीं बनाना है, इसका रबड़ी बनाना है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे, गीली रबड़ी बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ेगा तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। जब तक चीनी पकेगा तब तक हम नारियल को काट लेते हैं। गैस को धीमा करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। यहाँ पर मेवा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम जार में डालकर पीसेंगे। इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। मेवा को थोड़ा मोटा पीसेंगे। काजू बादाम पीसने के बाद अब इसको हम उसी प्लेट में निकालेंगे। अब जार में हम मखाने को पीसेंगे। बहुत महीन नहीं करना है। तो मखाने को पीसने के बाद इसको भी प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पर नारियल ठंडा हो चुका है, अब इसको भी पीसेंगे। तो पीसने से पहले इसको हम काटेंगे, छोटा छोटा काट लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो। दूध में पकने के बाद नारियल काफी मुलायम हो गया है, ये बहुत ही आसानी से कट रहा है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। नारियल को हमने इस तरह से काट लिया है, अब इसको हम जार में डालेंगे। नारियल पीस कर हम बुरादा बनाएंगे। नारियल को हमने इस तरह से पीस लिया है, अब इसको हम दूध में पकाएंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। चीनी जो है रबड़ी में अच्छे से पक चुका है। इतना गाढ़ा रबड़ी हमने बनाया है।
अब इसी में पिसा हुआ नारियल और मेवा को डालेंगे। पहले गैस को हम एकदम धीमा करेंगे। अब इसी में हम पिसा हुआ काजू बादाम डालेंगे। इसके बाद मखाने को डालेंगे और पिसा हुआ नारियल डालेंगे। अब इसको हम रबड़ी में मिलाते हुए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। क्योंकि रबड़ी पका हुआ है और मेवा भी भुना है तो इसको हमें सूखा होने तक पकाना है। ध्यान रहे दूध की रबड़ी बहुत ज़्यादा सूखा ना करें, जितना गीला रबड़ी हमने बनाया है इसी तरह से बनाएं। ये पिसा हुआ मेवा है तो रबड़ी को जल्दी सूख लेगा, इसलिए थोड़ा गीला रबड़ी बनाकर इस मिठाई को बनाएं। अब इसी में हम 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच घी को डालेंगे। घी डालने से ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, जो मिश्रण है वो कढ़ाई को आसानी से छोड़ देगा। इलायची पाउडर और घी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मिठाई को जमा कर सेट करेंगे। हम एक प्लेट लेंगे, पहले इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, यानी कि घी लगाकर इसको हम चिकना करेंगे। इसके बाद पूरे मिठाई को डालकर इसी में हम सेट करेंगे। स्पेशुला की मदद से इसको हम पूरे प्लेट बराबर फैला देते हैं। इसको हम एक लेवल में फैलाएंगे ताकि कहीं से मोटा पतला न रहे, तो इसको हम इस तरह से दाबते हुए फैला देते हैं। आप चाहें तो इसको थाली या फिर प्लेट में जमा सकते हैं, अगर कोई ट्रे है तो उसमें भी जमा सकते हैं। मिठाई को हमने सेट कर दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए पंखे हवा में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जमकर टाइट हो जाए। ये बर्फी जमकर टाइट हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहे उसे काट सकते हैं। नारियल से बना मिठाई आप सभी बहुत खाए होंगे, चाहे बर्फी हो या फिर लड्डू हो, जरूर खाया होगा। लेकिन ये रबड़ी वाली जो मिठाई है ये सबसे अलग है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, जो भी खाएगा वो बार बार मांगेगा। काटने के बाद आप देख सकते हैं ये नारियल की मिठाई खाने के लिए तैयार है। एक पीस हम निकाल कर दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनी है। ये रबड़ी और मेवा से बना है तो टाइट बिल्कुल नहीं होगा। यह मिठाई 5 से 6 दिन तक आराम से चलेगा। इसको आप एक बार बनाएं और हफ्ते भर आराम से खाएं। लेकिन यकीन मानिए इतना ये स्वादिष्ट है कि घर में बचेगा नहीं, आप बनाएंगे तो तुरंत सब खा जाएंगे। आप इस तरह से नारियल की मिठाई जरूर बनाकर ट्राई कीजिए।